धमतरी जिले में इन दिनों रहवासी इलाके में हाथियों की चहलकदमी बढ़ गई है। जिले की दो सीमाओं पर हाथियों के झुंड ने डेरा जमाया हुआ है। ऐसे में वन विभाग ने एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों की बिजली सप्लाई रोक दी है। बिजली नहीं होने से परेशान तुमरा बहार गांव के लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि पिछले 10 दिनों से गाँव में बिजली नहीं है, जिससे पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इन समस्याओं से जल्द निजात दिलाया जाए। वहीं कलेक्टर का कहना है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ही इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं से वन विभाग को अवगत कराने का आश्वासन भी दिया है। लगभग 10 दिन से लाइट रात और दिन बंद हो चुका है, जिसमें हमारे गाँव लोगों को पीने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। और कुछ किसान को भी जहाँ मतलब फसल लगाया है, धान गेहूँ चना, वो मतलब सूख रहा है पानी की। और तीसरी बात है कि हमारे बच्चे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, और 17 फरवरी को 9वीं और 12वीं का पेपर है, उसमें दिक्कत आ रहा है। तो इससे हमारे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान करे। नहीं देखो, उसको एहतियात के तौर पर ऑलरेडी बिजली को बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ हाथी अगर दुर्घटना हो सकता है कुछ कुछ इलाकों में। हालांकि जहाँ जहाँ पर हाथी का भी मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर ऐसी चीजों को हमने चालू करने के बारे में जो है इसी पीडीएल को हमने इसमें बोल दिया है। और बाकी जहाँ पर नल जल नहीं है, बाकी नल जल जहाँ इनकम थे वहां से उसको उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अगर हम बिजली देंगे और हाथी आने के बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो सकता है। इसका एहतियात के तौर पर कुछ कुछ जगह पर किया गया है।